Very good morning, 12th class. How are you, students? Yes, very good morning, 12th class. How are you, beta? I hope you are fine. And students, yesterday we have started chapter 1st from Indian economy, that is your part book B, Indian economic development. I hope आप लोगों ने वीडियो देखी होगी. कल की वीडियो में केवल हमने छोटा सा स्टार्टिंग की थी. गेटिंग सो इन दिस चैप्टर चैप्टर 5 दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम आपकी इकोनॉमी कैसी थी. सो हमने स्टार्ट किया था बैटल ऑफ प्लासी विच इज 1756 इन विच बैटल ऑफ प्लासी इंडिया की जो डेंसिटी डेस्टिनी थी वो चेंज हो गई थी. ब्रिटिश रूल्स आपकी कंट्री में आया एंड रेगुलर 200 ईयर तक ब्रिटिश ने आपकी कंट्री को कॉलोनियल बना के रखा. गेटिंग देन आफ्टर आप लोगों ने पढ़ना है हम ही स्टार्ट करना है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. यू पीपल आर अवेयर दैट 15 अगस्त 1947 में आप लोगों ने फ्रीडम किया. सो एट द टाइम ऑफ 15 अगस्त 1947 विच टाइप ऑफ इकोनॉमी वाज और वी कैन से अंग्रेजों ने कैसी इकोनॉमी हमें 1956 में दी थी. सो स्टूडेंट्स I have also explained that British rules में economy में कोई भी ज्यादा उन्होंने production पे ध्यान नहीं दिया. जो भी उनकी policy थी first and very very important policy that is divide and rule and other policy made by the British or by the colonial government that normally interest to their home country. जो भी रूल्स बनाते थे वो इस टाइप के बनाते थे कि उसका बेनिफिट्स उनकी होम कंट्रीज को यानी इंग्लैंड को मिले. एक्सीडेंटली इट मे बी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन. एक्सीडेंटली ऐसा था कि इंडिया को भी बेनिफिट मिल जाता था. जैसे उन्होंने अपने पर्पज के लिए ट्रेड को डेवलप करने के लिए रेलवे बनाया सो इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ तो ये एक्सीडेंटली बेनिफिट मिला. उन्होंने रेलवे क्यों बनाया पर ताकि उनको ट्रेड हो सके विद इन कंट्री से जो कंट्री की बाउंड्रीज तक जहां पर पोर्ट होते हैं आपके इंटरनेशनल पोर्ट है वहां तक प्रोडक्ट को ले जाने के लिए उन्होंने रेलवे बनाया और इंडियन रेलवे उन्होंने बनाया तो ऑटोमेटिकली उनको बेनिफिट था इसलिए बनाया. देन आफ्टर हमें कंट्री को क्या बेनिफिट हुआ कि इंडिया में रेलवे लॉन्च हुआ. सो आई होप दीज थिंग्स यू पीपल कैन इजिली अंडरस्टैंड इन प्रीवियस वीडियो. एंड आप लोगों ने यह भी देखा कि नेशनल इनकम भी काउंट नहीं कराई थी अंग्रेजों ने बट 1967-68 में दादाभाई नेहरू जी ने नेशनल इनकम काउंट की थी और वो साइंटिफिक नहीं थी जिसमें आपकी 340 करोड़ टोटल आप लोगों की कंट्री की नेशनल इनकम एंड 20 रुपीज पर पर्सन ओनली पर कैपिटा इनकम थी. सो इट इज अ वेरी वेरी पुअर. देन वी के आर वी राव ने 1931 में आपकी साइंटिफिक नेशनल इनकम काउंट की एंड पर कैपिटा इनकम दिया. डाटा आपको लर्न करना है मुझे लर्न नहीं है वो. गेटिंग सो देन आफ्टर स्टूडेंट्स आई हैव आल्सो एक्सप्लेन फ्यू पॉइंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस में इकोनॉमी कैसे डेवलप थी और हमें इन क्राइटेरिया पे पढ़ना है. दैट इज एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. सो टूडे वी विल डिस्कस वन बाय वन दीज पॉइंट्स. आई होप क्लियर दिस स्टूडेंट्स. सो आप लोग पहले कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. एग्रीकल्चर सेक्टर्स ले रहे हैं हम सो हियर वी कैन मेंशन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. बाकी सबको रफ करते हैं पहले एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं. सो स्टूडेंट्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर वी कैन सी दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की फीचर्स क्या थी बेटा. एग्रीकल्चर की फीचर्स ये थी सबसे बड़ी फीचर्स 85% पॉपुलेशन. आप लोगों की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे. 85 पॉपुलेशन बहुत बड़ा डाटा होता है. 85% पॉपुलेशन इंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर पे एंड यू कैन से
Indian economy during British colonial rules was primarily an agricultural economy. इसको agricultural economy भी बोलते हैं. Almost 85% of the country's population lived in village during this period and derived in living directly or indirectly from agriculture. So I hope students you can easily understand. Next इसकी features में आप लोग लिख सकते हैं. First is weak production. Accumulation. एग्रीकल्चर सेक्टर की ये फीचर्स हैं कि वीक प्रोडक्शन एक्यूमुलेशन. इट मींस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रोडक्शन वार डिफेक्टिव. यानी इंडियन इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन है जो आप आज कर रहे हैं बाहर को ग्रीन रिवोल्यूशन हम लोग पर हेक्टेयर पर लैंड पर बीघा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट वीक प्रोडक्शन एक्यूमुलेशन यानी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस थी ये फीचर्स थी एग्रीकल्चर की बहुत कम प्रोडक्शन होता था. यानी जो पर हेक्टेयर वीट्स है या पर हेक्टेयर सुगर केन है या अदर क्रॉप्स है वो बहुत ही कम होता था. सो दिस इज नोन एज वीक प्रोडक्शन एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा करना स्टूडेंट्स. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर डिफेक्टिव. देयर वॉज इनसफिशियंट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर मशीन वर डिफेक्टिव. All leads were to product and accumulation. यानी ना ही ज्यादा मशीनरी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड ना ही फर्टिलाइजर्स यूज होता था ना ही पेस्टिसाइड्स यूज होता था. तो इन्हीं का सबका रीजन है कि इंडिया सेल्फ सफिशियंट भी नहीं था फूड ग्रेन में. हमें अदर कंट्री से 85% जिसकी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तब भी हमें अदर कंट्री पे डिपेंडेंसी थी. वीट इतना नहीं होता था कि कंट्री क्यों सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी. कम कंट्री की जो नीड्स है बेसिक नीड्स है वीट की वो भी सफिशियंट नहीं था. इवन इट 1965 के बाद हुआ है जो ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी कंट्री में. गेटिंग वी विल डिस्कस लेटर ऑन. सेकंड पॉइंट बेटा इन सेकंड पॉइंट लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनएम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटा अनएम्प्लॉयमेंट भी था एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट भी था. अंडर एम्प्लॉयमेंट मींस रिक्वायरमेंट सपोज दैट 4% की थी और अंडर एम्प्लॉयमेंट मींस कैपेसिटी से कम काम करना. बहुत सारे लोग इंगेज थे फैमिली में. सपोज दैट 4% है एग्रीकल्चर सेक्टर में रिक्वायर 2% की है 4 के 4 वहां पे लगे हुए हैं. सो यहां पर रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा लगे थे. इट मींस दे पीपल आर अंडर एम्प्लॉयमेंट. दे आर एम्प्लॉयड बट अंडर एम्प्लॉयमेंट. All are employed, 4% are employed, but not a fully employed all, any single person. यानी दो का काम है चारों में कर रखा है तो वो क्या हो जाएगा सारे employed भी हैं but under employed. तो in the agriculture sector at the time of eve of independence, under employment and employment. Poor capital formation था. So ना ही ज्यादा मशीनरी थी ना ही ज्यादा वहां पर कैपिटल था ना ही ज्यादा पेस्टिसाइड्स था फर्टिलाइजर्स था. तो वो किसको लीड करता है कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को और अंडर एम्प्लॉयमेंट को. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसकी फीचर्स का लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. लो लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड productivity. This is the basic features of agriculture sector that low level of production and productivity. Farmers kya the bata aapka? Farmers were poor, undernutrients, had a low stamina and no incentive to work. या तो वे अननूट्रिएट थे पूरी तरह से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता और ना ही उनमें स्टेमिना था और ना ही वो वर्क के लिए विलिंग थे. क्यों? क्योंकि लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था कंट्री का प्रोडक्शन भी उतना उससे कम था एंड प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी बहुत ज्यादा लो थी. सो दिस इज आज फीचर लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. इट लीड टू लो प्रोडक्टिविटी लेवल. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया वाज लेस देन इट्स डिमांड. जितनी डिमांड थी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन उससे भी लेस देन था. इट प्रोड्यूस ओनली 508 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन. एक तो एग्जांपल दे दिया उसने 508 लाख टन फूड ग्रेन
getting, which is not sufficient for a whole country. So 508 lakh ton food grain produced in the country in 1947-48. At the time, just 13 crore hectare of land under cultivation. यानी इतना बड़ा land areas था, तब भी only 508 lakh ton food grain production होता था. So this is not a sufficient for whole country. So we can see low level of production. Production का level बहुत कम था. Country का उतनी बड़ी country थी, totally based on agriculture because 85% population are engaged in agriculture sector, but low level of production and productivity. तो worker का production भी कम था और land की जो fertility है, land की जो productivity है, वो भी कम थी. So this is features. Next features is here. Subdivision of land holding. Subdivision of land holding. Students, subdivision of land holding means जो land farmers के अंदर acquire की वो land holding is defined as the area of land which a person or a family owns. यानी land holding का means क्या हुआ कि एक person पे जो भी families पर land थी, it could be one piece of land or a number of small scattered piece of land. Students, land holding means subdivisioning of land holding. एक families पर या एक person पर या एक total परिवार पर family पर कितनी land holding थी, तो ये या तो एक piece of land हो सकता था या scatter में भी. ये भी बहुत बड़ी agriculture की feature थी. Suppose that एक family है, उसके पास एक piece of land इधर है, एक piece of land गांव के दूसरे कोने पे, एक piece of land गांव के तीसरे कोने पे. So farmers उसको sufficiently production नहीं कर पाता था. Government ने बाद में land consolidation एक policy चलाई जिससे farmer के scatter, जो आप लोगों के स्केटर खेत थे, उनके फील्ड थे, उनको इकट्ठा किया. सो दिस इज आल्सो सबडिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. एंड नेक्स्ट वन इज लैंड टेन्योर सिस्टम. स्टूडेंट्स, इन दिस नॉर्मली दीज द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर. इसके अलावा भी फीचर्स हैं आपकी, जैसे लैंड टेन्योर सिस्टम, आई विल एक्सप्लेन after this. So we have four features related to agriculture sector at the time of independence. आप लोगों को यहाँ पर सारी weakness दिखाई दे रही होगी. For example, weak production accumulation, जो production इकट्ठा करने की capacity थी, accumulation करना था, वो weak थी. Unemployment था country में and underemployment था. Low level of production, production low level पे होता था and productivity भी low थी. Getting? Last one, subdivision of land holding. जो farmers के पास hold की हुई land थी, वो भी subdivision थी. This is clear? इसी को लेके यहाँ पे है, Indian agriculture was primitive and stagnant. Primitive and stagnant means so that कि एक रुकी हुई, थकी हुई, खराब एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर था. उसके कोजिस क्या थे, वो कोजिस सब हम डिस्कस करेंगे कि why Indian agriculture is stagnant and pragmatic at time of independence. So for this students, सबसे पहले था land tenure system. Land marker is not working. Tenure means farmer होता है. और land tenure systems में यहां पर three system चला रखे थे. First था जमींदारी, second था आप लोगों का. So students, here is question arise that why Indian agriculture is primitive and stagnant. Indian agriculture, why Indian agriculture were primitive and stagnant during the colonial period or during the eve of independence. So here is the three points: land tenure system, commercialization of agriculture and partition of
कंट्री। सो फर्स्ट इज लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड का जो सिस्टम कर रखा था, फार्मर का सिस्टम कर रखा था, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट थे। राजस्थान ने अपना एक अलग सिस्टम बना रखा था, अदर स्टेट्स ने अलग। सो नॉर्मली जो कॉमन सिस्टम्स थे वो लिए गए यहाँ पर, जमींदारी, नहरवाड़ी एंड रेयतवाड़ी। देर आर थ्री सिस्टम। नॉर्मली जमींदारी सिस्टम इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम, इन विच सिस्टम जमींदार इज अ एक्चुअल लैंड ओनर एंड ही कलेक्ट द रिवेन्यू और रेंट फ्रॉम द फार्मर्स एंड सबमिट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो जमींदार होता था वो टेन्योर से या फार्मर से रिवेन्यू कलेक्ट करता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान, जो बोलते हैं रेंट, आपने मूवी देखी होगी लगान मूवी में, वो रेंट कलेक्ट करते थे। और दूसरी चीज बेटा, एक्चुअल ब्रिटिश गवर्नमेंट के और जो टेन्योर फार्मर्स था उसके बीच में मिडिलमैन होते थे। फार्मर से बहुत ज्यादा वसूल किया जाता था और मिडिलमैन जितने होते थे हर एक स्टेज पर कमीशन होता था, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो जाता था। तो फार्मर का यहाँ पर डबल एक्सप्लोटेशन होता था। कुछ स्टेट में इसको महलवाड़ी सिस्टम बोलते थे। महल मीन्स पूरे विलेज होता था और पूरे विलेज का एक सरपंच होता था, वो वहां से रिवेन्यू कलेक्ट करता था और वो रिवेन्यू को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। ऑब्वियसली सेम यहां पर होता था, जो महल होता था, जो सरपंच होता था विलेज का, वो रिवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करता था, हायर कलेक्ट करता था एज कंपेयर टू ब्रिटिश। सपोज दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पर बीघा पर 100 रुपीज रेंट डिसाइड किया, तो वो लोग मोर देन डबल भी कभी कभी हायर कर देते थे। तो उस सिचुएशन में फार्मर की सिचुएशन बहुत ज्यादा पुअर थी, और फार्मर की सिचुएशन पुअर थी तो इट मीन इंडियन एग्रीकल्चर वाज स्टैग्नेंट प्रमेसिव। रेत वाड़ी सिस्टम इज आल्सो देयर इन सम स्टेट। रेत मीन्स एक्चुअल फार्मर। सो कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट ने किया कि देयर विल बी नो सरपंच, नो मिडिलमैन, डायरेक्ट फार्मर्स रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, रिवेन्यू सबमिट करेगा गवर्नमेंट के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकाउंट में। बट दिस पॉलिसी इज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज इंडिया इज ए लार्ज कंट्री एंड हेयर इज अ वेरी इलिटरेट और अनएजुकेटेड फार्मर्स। सो दिस सिस्टम इज अ लैंड टेन्योर सिस्टम विच एप्लीकेबल एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट, एंड ड्यूरिंग दिस सिस्टम इंडियन एग्रीकल्चर वाज वेरी प्रेग्नेसिव, वेरी स्टेग्नेशन एंड नॉन वाइब्रेट, व्हाट्स वी कैन डू, कुछ भी हम बोल सकते हो, यानी बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेटनेस इज द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर सेक्टर को एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट कॉमर्शलाइजेशन भी किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट फार्मर्स को फोर्स करती थी कि उनको ऐसी क्रॉप्स को ग्रोइंग करना है जो कॉमर्शलाइजेशन क्रॉप्स हैं। ऐसी क्रॉप्स को लाइक इंडिगो, इंडिगो एक नील का प्लांट है जिसको फार्मर्स को जबरदस्ती उनको फोर्स करके वो उगाया जाता था, और फार्मर्स को बोला जाता था कि आप इंडिगो का प्लांट सोइंग करेंगे एज कंपेयर टू व्हीट एंड अदर ग्रेन्स। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द पीपल, इंडिगो, इंडिगो का ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल कंपनियां थी, कपड़े की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वहां पर इंडिगो के प्लांट की नीड थी, वो कपड़ों की रंगाई करता था, नील का प्लांट होता है इंडिगो, तो फार्मर को जबरदस्ती इंडिगो को, एक इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। पहले फार्मर्स को, कुछ फार्मर्स को उन्होंने मोटिवेट किया कि इंडिगो का प्लांट करो, फार्मर्स को उनके बहुत अच्छे प्राइस दिए। अदर फार्मर्स मोटिवेट हुए कि वीट से अच्छा तो ये है, इसमें हमें प्राइस ज्यादा मिल रहे हैं। अब पूरी कंट्री के फार्मर्स ने इंडिगो का प्लांट उगाया, तुरंत अंग्रेजी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमें नहीं खरीदना है। हमें नहीं खरीदना मींस फार्मर्स का प्रोडक्ट ऐसा है कि वो क्या करेगा उसका, हमें नहीं खरीदना, यानी उन्होंने बहुत ज्यादा प्राइस डाउन कर दिए, फार्मर को मजबूरी में बेचना पड़ा। ब्रिटेन को बहुत बेनिफिट हुआ और इंडियन फार्मर्स का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। सो वी कैन से एग्रीकल्चर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस एग्रीकल्चर सेक्टर को कॉमर्शियल बना दिया गया था एज कम्पेयर टू सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कंजप्शन के लेना बनाकर मार्केट में सरप्लस प्रोडक्शन को सेल करने के लिए। हियर वी कैन से कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। फार्मर आर फोर्स टू कल्टिवेट कॉमर्शियल क्रॉप लाइक इंडिगो। इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग ऑफ द टेक्सटाइल, यानी जो डाई होती है कपड़ों पे टेक्सटाइल में, वहां पर उसकी नीड्स थी, तो फार्मर को फोर्स किया जाता था कि आपको इंडिगो का प्लांट ग्रोइंग करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स।
So commercialization of agriculture is a very very important criteria by the help of this Indian agriculture sector is a weak and weak and weak and non-vibrant and permissive, stagnant. We can say stagnation of agriculture sector. And रिजल्ट क्या है बेटा इसका, देयर वाज फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप. जब आप इंडिको अपने प्लांट्स में उगाएंगे तो फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा. द फार्मर हैड टू सफर फ्रॉम फ्रीक्वेंट ऑकरेंस ऑफ फार्मिंग. इंडियन एग्रीकल्चर वाज ट्रांसफॉर्म इनटू रॉ मटेरियल ऑफ एक्सपोर्टिंग, यानी इंडिको का वो इंडिको एज ए रॉ मटेरियल इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री और वो उसका एक्सपोर्टर बन गया. इंडिया में से क्या हो रहा था, एक्सपोर्टर बन गया वो रॉ मटेरियल का, ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा था. So in this situation is also commercialization of agriculture. This is a very weak point of the agriculture sector. And last is a partition of the country. I hope you people are aware. In 1947, आपकी कंट्री के दो पार्ट हो गए हैं, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान. यानी इंडिया में से एक अदर सेपरेट कंट्री बन गई पाकिस्तान. ये भी इससे बहुत ज्यादा आपकी कंट्री अफेक्ट हुई है, क्योंकि जो मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज था पाकिस्तान में चला गया. वेस्ट पंजाब एंड सिंध का कुछ एरिया जिसमें जूट होता था, जूट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा सफर की है, क्योंकि जूट सारा पाकिस्तान चला गया होगा. दो स्टूडेंट सीन द गदर मूवी, वहां से जूट जो रुई होती है वो आता था, ट्रेन में आया है, वो भी दिखा रखा है उसमें. सो जूट का जो पोर्शन था वो इंडिया में नहीं रहा, वो सारा पोर्शन पाकिस्तान में चला गया. तो पार्टीशन से भी एग्रीकल्चर सेक्टर आपका 1947 में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ. सो स्टूडेंट्स, दीज द पॉइंट्स ऑफ agriculture, features of agriculture and why agriculture is weakness at the time of independence. So this is a agriculture sector at the time of view of independence, and this is sufficient for today. I hope you people go with your book, go through with your book, and you can understand more and more about the agriculture sector at the time of view of independence. Getting? And tomorrow we will discuss industrial sector at the time of view of independence. And students, I hope I will try that tomorrow I will send notes of these topics. So thank you so much students. Today we have discussed only one topic, that is agriculture sector on the eve of independence. So aapne padha isme wheat production, agriculture population are 85% population engaged on farming डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तब भी यहां पर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्यूमुलेशन, वीक प्रोडक्शन एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड हियर इज लैंड टेन्योर सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पार्टीशन ऑफ कंट्री. सो दिस इज द ओनली वन पॉइंट, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. टुमारो वी विल डिस्कस इंडस्ट्रियल सेक्टर. दिस इज क्लियर? सो थैंक यू 12th क्लास, थैंक यू सो मच बेटा.